वालेकुम नाजरीन मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकिन हमारा प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में हमने ज़िक्र किया था खौफ के बारे में उसके बारे में काफ़ी सवाल आप लोगों ने भेजे थे और हमने उनका जवाब दिया हम उस डिस्कशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे नाजरीन हमने पहले शेख साहब का तारफ़ कराया था शेख़ अरशद बशीर मदनी साहब जो कि एम बी ए किए हुए हैं अमेरिका यूनिवर्सिटी से और अभी पी एच डी कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से और मदीना यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल कर चुके हैं तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने टॉपिक खौफ के बारे में पिछले एपिसोड में आपने जिन्नात के बारे में बताया हमने कुछ सवाल भी किए लोगों ने थ्रू व्हाट्सएप कुछ सवाल किए थे आपने उन पर रोशनी डाली हमारे पास कई सारे ऐसे और सवालत हैं जो हम आपके सामने रखेंगे इन उम्मीद है कि आप उनका जवाब देंगे तो सवाल जो हमारे पास इस वक्त है इसी टॉपिक से रिलेटेड वजह तस्मिया जन्नात के बारे में जिनकी वजह तस्मिया दरअसल ये अरबिक वर्ड है जैसे हम कहते हैं जन्ना या जुनू जुनून के माने में या जिन्ना के माने में जिन्न जन्नता ये सारे वर्ड हमको अरबी में मिलते हैं जब हम डिक्शनरीज में पढ़ते हैं तो उसका माना आता है छुपना किसी नज़रों से ओझल होना मिसाल के तौर पे मजनून या जुनून इसलिए कहा जाता है रुगया के अक़ल पर पर्दा पड़ चुका है एक चीज़ शाम में अगर पर्दा आ जाए तो आपको उस पर्दे के बाहर क्या हो रहा है समझ में नहीं आता तो इसको कहता है पर्दा अकल पे जब पर्दा पड़ पर जाता है तो कहते हैं ये मजनून है और इसी तरीके से अजन्न कुरान मजीद में वर्ड आया है यानी मतलब एक रहम मादर में पाए जाने वाले बच्चे को जनीन का हमें लफ्ज़ मिलता है कलिमा मिलता है अरबी ज़बान में क्योंकि वो हमारे सादा निगाहों से नजर नहीं आता बच्चा लेकिन मालूम होता है कि कोई बच्चा है उधर तो इसी तरीके से जन्नतन कहते हैं ढाल को गोया कि ढाल आपकी आड़ में है तलवार का घाव आपके हाथ को नहीं लगेगा क्योंकि दरम्यान में, में आड़ मौजूद है रुकाने वाली चीज़ मौजूद है उसी से निकला है ये वर्ड जिन क्योंकि जिन हमको उनकी असली शक्ल वैसे तो जब शक्ल बदल लेते हैं रूप धार लेते हैं अगर वो कभी वो बिच्छू की शकल में कभी सांप की शक्ल में कभी उड़ते हुए परिंदों की शक्ल में या इसी तरीके से आवारा किस्म के जिन होते हैं जो किसी भी शक्ल में आते हैं तकलीफ़ पहुंचा के चले जाते हैं ये सारी शक्लें बदलने की अल्लाह ने उनको ताक़त दी है जैसे इंसानों में अलग अलग सलाहियतें होती है जिन्हों को भी अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाज़ा है ये अलग बात है कि उसका मिस करके वो वरात करते हैं तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना है वो ही बताया गया कुरान मजिद में तो उनकी जो अपनी असली शक्लें हैं वो हमको चूँकि सादा अंदाज में नज़र नहीं आती इसलिए उनको जिन कहा गया सोर् आराफ सूर्य नंबर सात क्या नंबर सत्ताईस में अल्लाबहान व तशात फरमा रहे हैं इन नुम हुआ वह कबीलू मिनहैल्ला तरन कि वो और उनके कबीले कुम्बा तुमको देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख पाते तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसी मखलूक़ है जो नज़र नहीं आने वाली लेकिन यहाँ पर एक नुकता ये है कि जो बुजदिल होता है वो छुप कर हमला करता है एक हिम्मत वाला होता है तो सामने आकर हमला करता है और अल्लाह का कलाम हमारे पास अलहमदल अल्लाह सुबहान तरश पर है और अल्लाह सुबहान इल्म हर जगह पर है अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो भेजा है इस कलाम के बारे में अल्लाह ताला तशात फ़रमा रहे हैं सुर हशर के अंदर लौजल्ला अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ क्या हो जाता रजा रेजा हो जाता का मतलब ये निकला कुरान में इतना पावर है और वो कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है और ये जो दुश्मन है नज़र नहीं आने वाला है नज़र नहीं आना ख़ुद इस बात की अमामत है कि वो बुजदिली की अमामत है और अल्लाह के कलाम का मुकाबला ये नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सुबह के कमज़ोर मखलूक है हमको हो सकता है कि कुछ ताकत नज़र आ रही है ये ताकत देने वाला भी कौन है अल्लाह सुबहान तै है इस ताकत को कमज़ोर करने वाला भी अल्लाह तलार है इन अल्लाह अलाकल्लिसन कदिर तो क़ुरान मजिद में शिफा रखी हुई है तो हमको घबराने की बात नहीं है छुप कर हमला करते हैं क्योंकि हमारे पास मजबूत हथियार मौजूद है वो है कर्न मजीद अज़कार तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के ईमान की कमजोरी है मालूम की कमी अवेयरनेस की कमी मिसाल के तौर पर एक आदमी के हाथ में मान मिसाल तलवार मौजूद है या गन मौजूद है लेकिन वो खुद डरपुक अगर है तो गन भी बराबर नहीं चला पाएगा तलवार भी नहीं चला पाएगा तो आदमी के लिए पहले कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है तब जाके असबाब काम आएंगे वरना इसबाब भी काम नहीं आएगा मिसाल तौर पर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तलवार अच्छी हो तो उस तलवार चलाने के लिए हाथ भी बड़े मज़बूत होने पड़ेंगे अगर हाथ कमज़ोर हो तो फायदा नहीं है तो क़ुरान मजीद हमारे पास है सही अहदिस मौजूद है लेकिन अगर मैं ही नादा बन जाऊँ मैं ही कमज़ोर बन जाऊँ फोबिया में रहूँ इनफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जब आ जाती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है इस वजह से ये जो एपिसोड में हम जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो होते कौन है क्या उनका निकाह होता है या नहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इंसान का अच्छा इनकी औकात इतनी ही है अच्छा इनका ये लेवल है तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कई सारे सवाल का ऑलरेडी जवाब दे दिया हम पूछना चाह रहे थे कि इनकी कितने कस्में हैं क्या वो दिखाई देते हैं लेकिन आपके जवाबों में ऑलरेडी उन बातों का ज़िक्र आ गया तो हम अपने अगले सवाल पर आते हैं हम आपसे ये पूछना चाहेंगे क्या जन्ात की मौत होती है बिल्कुल जिन की मौत होती है जैसा कि रहमान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वादे तौर पर हमको बताया गया कुलु मन अल फ हर चीज़ को फ़ना होना अल्लाह सुबहान ताल है मखलूक़ात के अंदर तब्दीली आती है मखलूक़ात कमज़ोर हैं इसीलिए नबी अक्रम सल्हु वसम ने इशात फरमाया के तऊद बेज़त लालादी लायमोत यानि ए अल्लाह आपकेत की पनाह में मैं आता हूँ आप ही तो वो है जो ज़िंदा रहने वाले हैं मरने वाले नहीं हैं वाल वन व नासु यामोत लेकिन जिन और इंसान क्या हो जाते हैं, मरने वाले है। उनके ऊपर मौत का फार्मूला चलने वाला अल्लाह ही की ता है जो अल्हू है अलूमकुलमन अलीबका वजह रबिका गुल जलाली व ला तो जिन्हों को भी मौत आती है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इंसान का जो ड्यूरेशन है ज़िंदगी का वो बड़ा कम नज़र आता है जैसा जैसा ज़माना क़्यामत के ख़रीब होता जाएगा लेकिन ज़िनों के बारे में जो हमें तफसीलात मिलती है तारीख़ी वाक़ात मिलती है उससे पता चलता है कि इनकी ज़िंदियाँ बड़ी लंबी लम्बी होती काफ़ी लंबी लंबी है इसलिए कुरान मजिद में भी इंसान के लिए वर्ड आया खलीफा जिसका जिक्र सूरतों में आया है कि खलाइफ यानी मतलब है कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन गुजशतर जमाने में नौ सौ पचास साल तक भी जैसा नू अ सलातम के बारे में आता है कि उन्होंने दावत का काम 950 साल किया तो उससे अंदा लग सकता है कि कितनी बड़ी बड़ी उम्रें थी लेकिन जैसे 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 ज़माना आगे गुजरता जाएगा हमारी उम्रें भी कम होते कम चले, चले जाएंगी लेकिन जिनों के बारे में ऐसा कोई वर्ड हमें नहीं मिलता जैसे इंसानों के बारे में जनरेशन्स का जिक्र मिलता है जिनों के बारे में ऐसा ख़ास तौर से वर्ड नहीं मिलता और भी जो तारीख़ी वाकयात है जिन जब आते हैं तो तकरीबन पूरे इंडिया के अलग अलग जिनों से मुझे बात करने का मौका मिला है बंगाल के जिन होते हैं मराठी के और तमिल के कन्नडा के नॉर्थ इंडिया के तो जब उनसे हम गुफ्तु करते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगरचे केामा कराम ने कहा कि अननेसेसरी नेसेसरी गुफ्तु से परहेज करें ज्यादा गुफ्तु नहीं करनी चाहिए उसमें हमारी आफियत है जो तो अक्सर जिन झूठ बोलते हैं उनकी पूरी बातों पर भरोसा नहीं किया सकता लेकिन कुछ सरकमस्टांशल एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो कुरान इससे नहीं टकराते हैं तो उसकी रोशनी में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलते है इलाज करने के लिए जब हम वो इलाज करने जाते हैं तो उस वक्त पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें काम आती है तो उस हद तक हम सवाल के जवाब ले सकते हैं उस दौरान जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये मानते हुए कि अक्सर जिन झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं लेकिन फिर भी ऐसे तवातुर के साथ कई खबरें आती हैं और उसको अलमा इक्राम ने कहा कि जिनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी होती तो इस लिहाज से लेकिन मरना है कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके बारे में यीदा रखे कि इनको ऐसी कुछ सलाहियत है कि मरते नहीं हैं ये किसी के गलबे में नहीं आते ऐसी बात नहीं इन अल्लाह अला कुल्ली शर चीज़ पर खुद रखने वाला है हमारा ईमान हमारा भरोसा उस अल्लाह पर है तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है ऐसे मखलूक़ात से जो अशरफुलमखलूक़ात की कैटेगरी में नहीं हमको अल्लाह ताली ने ख़ैर उम्मत बनाया है तो फिर हमको किसी भी अतबार से इंसान को जो कुरान मजीद का रीडर हो कुरान उसको कैसे ऐसे उठान देता है कि वो एहसास से कमतरी में उसके जाने का सवाल ही नहीं उठता तो ये फ़ायदा है कुरान मजीद पढ़ने का ये फ़ायदा है सही अहादीस को पढ़ने का इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी भी किस्म का फोबिया हो खौफ हो कुरान और सही हदीस में आ जाए इंशाल्लाह उसमें शिफा है हमारे लिए जैसे कि हम इंसान रहते हैं घरों में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके हैं रहने के अलग कल्चर्स हैं तो जिनों की अगर हम बात करें तो उनका रहन सहन कैसा है वो कैसे रहते हैं कहाँ रहते हैं और क्या वो कुछ खाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएँ जैसे एक इंसान की एक लाइफ है वैसे जिन भी एक मखलूक है उनका खाना पीना भी उनके साथ लगा हुआ है सही बुखारी के अंदर नबीी अक्रमल व का हमें फ़रमान मिलता है किताब तौहरा के अंदर के सहाबी को नबी अक्रम सम कहते हैं कि जाओ जाकर कुछ ढेले लाओ तो मुझे करना है तो इस्तजा करने के वक्त पर नबी अक्रम सल्हल ने कहा कि ढेले लाओ लेकिन तुम हड्डी और गोबर मत लाओ लीद मत लाओ बाद में सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी आपने हमसे कहा कि हड्डी मत लाओ लीद यानि गोबर मत लाओ तो नबी अक्रम सल्लम ने शाद फरमाया इन नहा जिन

इसलिए नबी अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी ताकत की कि जब तुम घर में दाखिल हो ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है जब तुम घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह वसी तरह से असलमक़ुम वरम वबरकत लेकिन वह हदीस शरीफ़ीफ़ है बसमिल्ल वलना और बसमिल्ल खरजना यह जो दुआ पढ़ते हम वो ज़ीफ़ है लेकिन ये सही है ऑथेंटिक है सही मुस्लिम बिसम कहकर दाखिल होने थे जिन कहेंगे अपने अपने लोगों को चलो चलो इस घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है क्योंकि इस आदमी ने अल्लाह का नाम ले लिया जहाँ अल्लाह का नाम होता है अल्लाह का जिक्र होता है तो वहाँ पर इशारात करने वाले ये सारे के सारे उन सब का सफाया हो जाता है इसका मतलब क्या निकला इनको खाना मिलता है अगर हम बिस्मिल्लाह ना कहें ये सब दलायल है जिस पर परमाए कराम ने जिसकी बुनियाद पर कह एक मरतबा एक बच्ची आ रही थी आकर अचानक उसने खाने में हाथ डाला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया ये भी सही मुस्लिम की रिवायत का वाक़ा है कहा कि देखो शैतान इस बच्ची को पकड़ कर लाया क्योंकि बच्ची तो अब जल्दी में बिस्मिल्लाह नहीं कहेगी नतीजे में इस बच्ची के जरिए से वो खाने को अपने लिए हलाल करना चाहता है लिहाजा जब भी तुम खाओ तो बिस्मिल्ला कहकर खाया करो तो इन अहादि से पता चलता है कि उनका खाना पीना भी है वो रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर अल्लाह का जिक्र ख़ास से नहीं होता जैसा कि हमको मिलता है अलहसूसु महता मुस्त अहमद बिन हम्बल में एक कलमा शेख अब्दुलमुसिनब्बा हफिज़ाला कहते हैं कि इससे मुराद वो सारे टॉयलेट्स है वो सारे हमाम जहाँ पर गंदगी खारिज होती है और वो सारे एरिया जहाँ पर गंदगी जमा होती है और जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता इन सब में ये एरिया जिन्हों को बहुत पसंद सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़ते हैं तो उसमें एक हदीस शरीफ से ये भी पता चलता है कि जब मगरब का टाइम होता है ऐसे टाइम पर ख़ास से जिन और शयातिन मुंतशिर होते हैं नबी इसीलिए ने सल्लाशात फरमाया कि जब मगरिब का टाइम होता है सूरज गुरुब होने के बाद रात का टाइम आने लगता है ऐसे हो पे तुम अपने बच्चों को बाहर रहने मत दो उनको घर में दाखिल करो और अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करो क्योंकि ये उनके फैलने का टाइम होता है अदाने होती हैं हमको पता है कि जब अज़ा दी जाती है तो शैतानों पर काफी मार पड़ती है तो इधर उधर भागने लगते हैं तो अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटे बच्चे क्यों कहा गया क्योंकि बड़ा आदमी तो जिस वक्त पे हदीस बताई जा रही थी तो उस वक्त पर साहब कराम नमाज के पाबंद थे लेकिन जो बच्चे होते वो हो, अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाते तो नतीजे में शैतान कहीं ना कहीं बहर जाकर जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता वहाँ पर मकान बनाने की कोशिश करते तो कहीं बच्चों पर आकर कहीं सवार ना हो जाए इसकी हिकमत जो कराम ने बतलाई है इसी तरीके से समंदर के ऊपर शैतान अपना डेरा डालता है अपना तखत बिछाता है इसका मतलब वही रहता है नहीं कहा गया तख्त बिछाता है मतलब नहीं था तो लाकर बिछाया अपना तख्त बिछाता है और हर दिन फिर अपने प्यादों को भिजाता है सिपाहियों को भिजाता है फिर जो लोग आकर कहते हैं हमने आज शरारत की फला को फला से लड़ा दिया आज हमने गलत फहमी डाल दी तो सबकी बातें सुनता है लेकिन जब खास तौर से कोई आकर यह कहता है कि आज मैंने शौहर और बीवी के दरमियान मैंने लड़ा दिया तो शैतान बहुत खुश होता है और ख़रीब कर लेता है मतलब क्या है कि शैतान का सबसे दिलचस्पी वाला काम क्या है शौहर बीवी में लड़ाना और ये कहाँ बैठ कर करता है समंदर के ऊपर एक तख्त बिछा कर तो समंदर भी उनके रहने की जगह हो गई इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ जिन ऐसे हैं जो मुसलमान हो चुके हैं और कभी कभी ये जानवरों की शक्ल में तुम्हारे घरों में आ जाते हैं ख़ास से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मिसाल भी तिरमिदी शरीफ की रिवायत है चित का यानी वाइट व का जो सांप होता है घर में अगर आपको नजर आए और तुफीन यानी कि अगर आप उस पर गौर करेंगे तो थोड़ा सा चमकता हुआ वाइट और ऊपर जो दो लाइन होते हैं इस कस्म के सांप को मारने में जल्दी नहीं करनी चाहिए क्यों इसलिए कि ये जो सांप होते हैं ये दरअसल जिन है जो इस शक्ल में आते हैं उनको तीन मरतबा वार्निंग दो जो जिन होते हैं वो उर्दू भी समझते हैं बाद जिन अरबी ही समझते उसका कुछ नहीं समझते मलयालम कन्नडा अलग अलग जिनों से हमारी बात करने का जब मौका मिला तो हमको पता चला कि उनकी ज़बानें अलग अलग जैसे हम जबानें बोलते हैं वो लोग भी अलग अलग ज़बानें बोलते हैं तो हम तीन मरतबा वार्निंग अपनी ज़बान में भी दे देंगे अगर वो नेक जिन हो और गलती से हमारे घर में आ गए हों तो उनको जाने का मौका मिलेगा तीन मरतब बोलने के बावजूद भी अगर ना जाए तो नबी सल्लल्लाहु अक्रम सल्ला फरमाया फ़ैन व शैतान अब कतल कर दो वो जिन नहीं है वो, वो शैतान है अल्लाह बेहतर जानता है इसका माना क्या है लेकिन अब कतल करने की इजात मिली तो इससे पता चला कि कुछ आते हैं कुछ हवा में उड़ते हैं कुछ आते और चले जाते हैं कुछ बिच्छू और सांप की शक्ल में रहते हैं कुछ गंदी जगहों पर रहते हैं कुछ समंदर की जगह पर रहते हैं तो और भी हम आने वाले एपिसोड में बताएंगे कहाँ कहाँ रहते हैं और भी डिटेल में बताएँगे जजाकल्ला शेख साहब हमारे नाजरन को इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी मदद मिली होगी और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी शामिल करते हैं जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी किया था तो नाजरीन जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने मैसेजेस उस पर भेज सकते हैं अपने सवाल उस पर भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें तो शेख साहब जो सवाल हमारे पास आ चुके हैं उनमें से पहला सवाल आपके सामने असलकम व मेरा एक सवाल है मैं मुंबई से बोल रहा हूँ खालिद हमारे घर के बाहर किसी ने सुबह सुबह उठ के मैंने देखा तो कुछ चावल दाल पड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता है जब से कि हमारे घर पे किसी ने कुछ जादू टूना कर दिया है इसका क्या है जरा आप मुझे बताइए अल्लाम वालाकल वरह वरक जनरली हमारे पास वहम की आदत बहुत होती है बाहर हमने देखा चावल गिरी हुई है बाहर हमने देखा कि कुछ आटे के टूट के हैं या उससे बने हुए खास ख़ासम के परिंदे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो अनहोनी होती है कभी रायगिरी भी देखते हैं तो बाद हम जल्दी फैसला करते हैं मैं कहूँगा कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसकी कोई हकीकत नहीं है यह भी नहीं कहेंगे हम बैलेंस बात करने की कोशिश करेंगे ना हम ये कहेंगे कि हाँ यही जिन है यही जादू है ऐसा भी नहीं बाद अखात तहकी करने पर पता चलता है कोई आदमी वहाँ से गुजरा था और उसने चावल डाल दिया कभी मुमकिन है पॉसिबिलिटी है तो हम इस चीज़ को उतना ही सीरियस ले उसके लिए कुछ सिम्टम होते हैं मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए जादू है तो घर में एक कोने कम से कम सात सात लोगों पे बाद असर होते तो समझने के लिए सिम्टम भी है जब हम इसका मुमारसा करते हैं इस फील्ड में जब एक्सपीरियंस में जाते हैं एक आदमी को मुसलसल एक जगह पर दर्द हो रहा है या उसके ख्वाब में पीले सांप या काले सांप नज़र आ रहे हो या कोई मखसूस किस्म का आजू है वो हरकत कर रहा हो बग़ैर किसी सबब के स्कैन करता है रिपोर्ट्स निकालते हैं एक्सरे लेते हैं लेकिन तब भी डॉक्टर कहता है नॉर्मल है लेकिन उसको दर्द जारी है एन ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है जिसको हम कहते हैं कि अनहोनी वाली बातें हैं समझ में नहीं आ रही हैं कुछ सिम्टम्स वहाँ अलामतें हों खब भी इस कस्म के आ रहे हैं कि आदमी परेशान हो रहा है ये सारे असरा देखने के बाद तब ऐसे चीज़ों को आप एज ए क्लू के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा में फलावा पे वो देखा था तो इसबाब के तौर पर अपनाएंगे जैसे कहते हैं मुसहब तो अल्लाह सुभान व तआला लेकिन इसबाब इसब को देख कर जैसे आप दवाई क्यों लेते हैं कैप्सूल क्यों लेते हैं सबको मालूम है, सब है डॉक्टर इसबाब में से है ऑपरेशन इसबाब में से है दवाई और जितने भी टॉनिक आप पि रहे सब इसबाब में से लेकिन असल शिफा देने वाला कौन है अल्लाह सुबहान तला तो इसबाब के तौर पर अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तब तो कोई बुरी बात नहीं लेकिन आपसे वहम की बुनियाद पर ना कोई सिम्टम है ना कोई वहां पर शक का मरला है के इसमें अपने आप को परेशान ना करें हाँ मालूम हो जाए तो क्या करें इस पर जादू के मुस्तकिल हमारे एपिसोड आने वाले हैं हम उसमें भाई को डिटेल में बताएंगे हम अगला सवाल लेंगे लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त कम बचा हुआ है लेकिन एक मैसेज लेकिन असला मेरा नाम अंसारी मोहम्मद आसिफ है मैं बम्बई से हूँ सर मुझे एक सवाल करना था मैं अपने गांव से जाता था रास्ते में एक घर पड़ता था वहाँ से आवाज़ें आती थी और बहुत सारी आवाज़ें आती थी लोगों का कहना था वहाँ भूत है आत्मा है क्या ये सच है जी आमतौर पर देखा जाता है जा। जो पुराने मकाना होते हैं वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं क्योंकि इसमें शायद भूत है जिन है इसकी क्या हकीकत है हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है वैसे तो आज की साइंस इस बात का इनकार नहीं करती जिसको कहते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव यानि कुछ ऐसे हैं जिसको वो लोग कहते हैं कि नजर नहीं आने वाले इनविजिबल आई एफ ओ इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने नाम दे रखा है यानी कुछ चीजें हैं कुछ ऐसे घर हैं जहाँ से आवाजें आती है कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है तो वो लोग कहते हैं कि ये इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव नाम देकर उन्होंने रखा है या उसको एलियन कह के छोड़ देते हैं तो ये इम्कान है कि किसी घर में जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता क्योंकि जब घर बंद पड़ा होता है अंधेरा होता है वक़ब और मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरे से जबकि वो छाता है जहाँ रोशनी नहीं होती जहाँ कंटिन अंधेरा है जहाँ पर बरसों से लॉक पड़ा हुआ है तो वहाँ पर क्या होता अल्लाह का चूँकि जिक्र नहीं होता वहाँ पर चूँकि जो है बहुत दिनों से वहाँ पर रोशनी नहीं है तो ऐसे वहाँ पर जिन आकर बसेरा कर लेते बाद वक़ात बसेरा छोटा मोटा होता है अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो भाग जाते हैं लेकिन बात शरीर खसम के होते हैं वो आकर वहाँ पर जाते, जाते हैं है। जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको आता है मिल रहा था, जो अच्छा रहने का रह था अब हमको पता जाना पड़ेगा जी जी नतीजे जी। में वो निकालते, को के। के करते। लेकिन ये जमीन पर इंसान का ज्यादा हक हाँ है या का हमें बकरा ब दो क्या नंबर हट्टी पढ़ने से पता चलता है इनकी फिल फिली खलीफा के जनरेशन वाली जो इंसानी मखलूक है इसको अल्लाह से वाता करें ज़मीन में हमने अब इनको बना दिया इससे पहले जिनों को अल्लाह ने अख्तियार दिया था कि हाँ। वहाँ पर रहे लेकिन अब इसके ज़्यादा मालिक कौन है इंसान है तो अशरफुलमखलूक़ात को रहने का ज्यादा हक हाँ है अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए हमारे तोल को मजबूत करते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो इनको भी यहाँ से साफ किया जा सकता है इस हद हाँ तक यकीन से आप कह सकते हैं अल्लाह एक एक आदमी अगर प्रिकॉशनरी लेते हुए अपने आप को दूर रखना चाहता है तो अलग मसला है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये होना चाहिए कि, कि पर हमारा असल हाँ तो जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना इंसान उन इमान पर काबू पा सकता है ईमान में मजबूती हो, हो सकती है हम इस गुफ्तगु को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख़ साहब हमें यकीन है कि हमारे नाजरीन को इन जवाब से बहुत फ़ायदा मिला होगा हम आगे इस पर चर्चा करते इस पर गुफ्तु करते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है हम नाजरीन से ये बताना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं वो उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल भेज सकते हैं और जो ई मेल आ रहा है उस पर भी आप अपने मेल्स अपने सवाल भेज सकते हैं और इन शेख साहब उनके जवाब देंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज हाफ अकम्म अकम् वर्का